टेस्ट मैच जो है भारत ने जोहान्सबर्ग टेस्ट जीत लिया है। जीत के लिए 241 रन का पीछा करते हुए दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 177 पर ऑल आउट हो गई और इस तरह से 63 रन से ये मैच जीत लिया है। 247 रन तीसरे दिन आज भारत ने बनाए थे, लेकिन 7 रन की लीड थी, इस वजह से 240 हुए। 241 का टोटल टारगेट दिया गया, लेकिन 177 पर ही पूरी की पूरी पारी सिमट गई। हालांकि बल्लेबाजी के लिहाज से ये तीसरा टेस्ट जो है दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ बल्लेबाजी के लिहाज से, लेकिन तीसरा टेस्ट भारत ने जीत लिया 177 रन पर। पूरी दक्षिण अफ्रीकाई टीम जो है वो सिमट गई। शमी ने शानदार गेंदबाजी की, यहां पर दूसरी पारी में 5 विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने, और इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा तीसरे टेस्ट में। आपको बता दें 247 रन भारत की तरफ से बनाए गए थे जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन 7 रन की लीड थी पहली पारी में, जो 7 रन की लीड मिली थी दक्षिण अफ्रीका को उसको कम करके 240 रन बचे, फिर 41 का टारगेट मिला जो छोटा टारगेट था, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट झटके, जिसकी वजह से ये आसान लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका दक्षिण अफ्रीका। अनुराग भारती जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत ही खराब रहा ये तीसरा टेस्ट। बिल्कुल, ये विकेट ज्यादातर आप अगर देखें तो ये कहा जाता है कि बैट्समैन फ्रेंडली होता है इंडिया में, लेकिन वहां पर जिस तरह से हुआ बहुत ही मुश्किल था, और ये भी खतरा था इस टेस्ट मैच में कि शायद ये मैच ही आगे नहीं हो सके, क्योंकि जिस तरह से कल तीसरे दिन जो है मैच को रोकना पड़ा था, बीच में रोक दिया था कि पिच जो है उतनी खराब हो गई थी, जिसके बाद मैच रेफरी ने ये फैसला लिया था। और जाहिर तौर पर यहाँ पर तारीफ लेकिन इस जीत में करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने भारत की जीत तय की 241 रन, हालांकि चौथी इनिंग में बना पाना जो है किसी भी टीम के लिए ऐसे विकेट पे बहुत ही मुश्किल थे। और खासकर जिस तरह से टेल एंडर्स ने कल परफॉर्मेंस किया था, और जिस तरह से आज मोहम्मद शमी एक तरह से कहा जाए तो इस मैच में हीरो साबित हुए, जिस तरह से उन्होंने दूसरी पारी में भारत के लिए बल्लेबाजी की, लास्ट में बहुमूल्य रन बनाया, और उसके बाद फिर आज जो यहां पर जो 5 विकेट लिए उन्होंने इस तरह से जीत तय की। तो एक तरह से भारत के लिए एक भले ही मोरल बूस्टिंग जीत से कहा जा सकता है, हालांकि सीरीज जरूर टीम हार गई, ये 2-1 से जो 25 साल का इतिहास था वो जरूर नहीं बता, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर इसे माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। तो मैच जरूर हम लोग जीत गए, टेस्ट मैच जरूर जीत गए, लेकिन सीरीज हार गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से भारत को सीरीज हरा दिया। जोहान्सबर्ग टेस्ट हम लोग जरूर जीत गए।